हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक। इस लुक को मैंने बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप से पहले मैंने यहाँ पे स्किन को क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज किया है। मैंने यहाँ पे मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज किया है। मैंने पूरे फेस और नेक पर यूज किया है, आप सब देख सकते हैं। पूरे फेस और नेक पर यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे सीरम का यूज किया है। मैंने यहाँ पे बायोटिक का सीरम यूज किया है, पूरे फेस पर अच्छे से लगाया है। सीरम अच्छे से लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन यूज किया है। मैंने यहाँ पे लैक्मे का सनस्क्रीन यूज किया है। पूरे फेस पर डॉट डॉट करते हुए लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से उसे चारों तरफ फैला दिया है। सनस्क्रीन को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद लगाने के बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर का यूज किया है। प्राइमर को मैंने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से लगाया है। मैंने यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर यूज किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आज फाउंडेशन यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे इनसाइड का कंसीलर यूज किया है। फ्रेंड, मैंने इस कंसीलर को पूरे फेस और नेक पर यूज किया है। मैंने ब्रश के हेल्प से उसे यूज किया है। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। सो फ्रेंड्स, ये कंसीलर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। मैंने इसे 95 रुपीस में ख़रीदा था। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइट कंसीलर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज किया है। आप सबको तो पता होगा ये कंसीलर कितना अच्छा कवरेज देता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी पे यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे लूज सेटिंग पाउडर का यूज़ किया है। पूरे फेस और नेक पर अच्छे से पाउडर लगाया है ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटूर किया है। कंटूर करने के लिए मैंने आज आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर के शेडो लेकर मैंने आज कंटूर किया है। उसी से ही मैंने ब्लश भी यूज किया है, आप देख सकते हैं एक पैलेट से कितना काम हो सकता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैलेट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ब्लश लगाने के बाद मैंने उसी पैलेट से ही आई शेडो लगाया है। आई लुक क्रिएट करने के बाद मैंने हाइलाइटर यूज किया है। मैंने यहाँ पे येलो कलर्स के हाइलाइटर यूज किया है, आप देख सकते हैं ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अच्छे से हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने उसी पैलेट से आईब्रो को भी फिल किया है, आप देख सकते हैं। अ
अच्छे से आईब्रो को फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे काजल यूज किया है। मैंने यहाँ पे प्लम का काजल यूज किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो आप यूज कर सकते हैं। काजल यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे मस्करा यूज किया है। मैंने यहाँ पे कॉलोसल का मस्करा यूज किया है। मस्करा अच्छे से लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिप कलर यूज किया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लैक्मे का लिप कलर यूज किया है। आपके पास जो भी ब्राउन कलर की लिप कलर होगा वो आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करना भूल गई थी। कुछ शॉट के बाद मुझे याद आया कि मैं सेटिंग स्प्रे लगाना भूल गई हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज किया है। मेकअप के बाद सेटिंग स्प्रे यूज़ करना ज़रूरी है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। आपके पास जो भी सेटिंग स्प्रे है आप यूज़ कर सकते हैं।